एक्टर मनीष नागदेव और सृष्टि रोड़े पिछले कई दिनों से अपने ब्रेकअप को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। पहले तो मनीष ने सृष्टि को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करके अपने रिलेशनशिप में आई कड़वाहट का बड़ा इशारा दिया और फिर इसके बाद खुद एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप की बात कबूली। मनीष ने रिश्ता टूटने की वजह का खुलासा करते हुए बताया कि उन दोनों को 3 हफ्ते पहले इस बात का एहसास हुआ कि जैसा दोनों ने सोचा था वैसा नहीं हो रहा और इसीलिए दोनों ने ही अलग होना बेहतर समझा। लेकिन अब सृष्टि से ब्रेकअप के महज कुछ दिनों के बाद ही मनीष ने सोशल मीडिया पर अपनी एंगेजमेंट डिक्लेरेशन की एक तस्वीर शेयर कर फैंस को चौंका दिया है। जी हाँ, आप भी देख लीजिए अब ये तस्वीर। इस तस्वीर में एक तरफ लिखा है मनीष नागदेव और दूसरी तरफ विभा आनंद। आपको बता दें कि विभा आनंद भी टीवी एक्ट्रेस हैं। तस्वीर के बिल्कुल सेंटर में दो रिंग्स के बीच बड़े क्लियर शब्दों में लिखा है द गिफ्ट। तो क्या मनीष ने एक्ट्रेस विभा आनंद के लिए ही सृष्टि को छोड़ दिया? क्या रोहित सुचांती नहीं बल्कि एक्ट्रेस विभा आनंद है मनीष और सृष्टि के ब्रेकअप की असली वजह? बोले ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि सृष्टि ने नहीं बल्कि कुछ दिन पहले खुद मनीष ने ही अपने ब्रेकअप की बात को ऑफिशियल किया था और अब मनीष और विभा दोनों ने ही एंगेजमेंट रिंग वाली इस तस्वीर को पोस्ट किया है। लेकिन इससे पहले कि आप किसी अंजाम तक पहुंचे, हम आपको बताते हैं इस तस्वीर की असली सच्चाई। दरअसल ये तस्वीर विभा और मनीष की आने वाली शॉर्ट फिल्म द गिफ्ट का पोस्टर है। इस तस्वीर को पोस्ट करके दोनों ने ही अपने फैंस को अपने अगले प्रोजेक्ट का हिंट दिया है। बता दें कि जब इस बारे में विभा से पूछा गया तो उन्होंने इस पर सब कुछ साफ किया। विभा ने बताया, द गिफ्ट एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म की हाईलाइट हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है। मनीष और मैं इस फिल्म में एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे। फिल्म को फ्रीजोन प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है और इसे डायरेक्ट कर रही है किरण नागदेव। ये शॉर्ट फिल्म अगले महीने रिलीज होगी। तो विभा ने क्लियर कर दिया है कि ये पोस्टर विभा और मनीष की आने वाली शॉर्ट फिल्म द गिफ्ट का पोस्टर है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब इस खबर पर आपका क्या है रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में आप भी हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि सृष्टि और मनीष के ब्रेकअप से क्या आप खुश हैं?